गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना वीडियो में आपने पाठ की समझूती मिली थी। हवे आज आपणे अभ्यास ना प्रश्नोना जवाब अने स्वाध्यायना प्रश्नोना जवाब की समझूती मेळवीशुं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हमें पहलो छे, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो सुनीता ने अपने आखा विश्व ने बेटी कही है, क्या कहूँ? तो हमारे देश अलग है लेकिन पूरे विश्व का अंतरिक्ष एक ही है, इसलिए सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। बीजो प्रश्न, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सके, आपका क्या मत है? तो बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता हर एक महिला में है, वो भी ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन होकर अपना नाम उजागर कर सकती है। अनेक ऊंचे पद पर महिलाएं रह चुकी है, इसलिए उन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है। जैसे कि राष्ट्रपति पद पर प्रतिभा पाटिल रह चुकी है, मुख्यमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर आनंदीबेन पटेल रह चुके हैं। वैसे अलग अलग पद पर रहकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। त्रीजो छे, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आने तमारे जाते चर्चा करवानी छे कि आपणे जो वधारे मेहनत करी, दृढ़ निश्चय राखी, तो आपणे आपणी मंजिल सुधी आरामथी पहोंची शकीए छे। एटले के आपणे जे पण बनवू होय एनी पाछळ आपणे मेहनत करी पड़े तो आपणे तेमां जरूर सफळता मेळवी शकीए छे। चौथो प्रश्न छे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते और क्यों? એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે મોટા થઈને શું બનવા માગો છો એ તમારે વિચારવાનું છે, અને કેમ બનવા માગો છો એ પણ એનું કારણ આપવાનું હોય। તો હવે આપણે સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ, તેમાં પણ પહેલા પ્રશ્નમાં 6 પ્રશ્નોના જવાબ છે તે આપણે જોઈશું। પહેલો છે, સુનીતા કિતને સમય તક અંતરિક્ષ મેં રહેકર લડી, એટલે કે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ જેને કહીએ છીએ, તે કેટલા સમય માટે રહી? તો સુનીતા 194 દિન 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। बीजू से, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में प्रथम स्थान हासिल किया, अंतरिक्ष में 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट रहकर नया रिकॉर्ड बनाया। त्रीजू, अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो सुनीता विलियम्स के अलावा राकेश शर्मा और कल्पना चावला हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है। चौथा, हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। क्यों गर्व की बात है? क्योंकि वो भारत की है और अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी, और वापस लौटी उतना ही नहीं बल्कि अपना जो पिछला रिकॉर्ड था किसी और का वो तोड़ा, सबसे ज़्यादा समय रहकर। पांचवा, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान की जानकारी प्राप्त की, उसके संदर्भ में वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना, इस तरह सुनीता ने अपने सपने साकार किए। छठू, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म हो जाता है, मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती, इस तरह की मुश्किलें आती। हवे विद्यार्थी मित्रों, आगळ आपी छे कि अंदाज अपना आप, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी, क्यों थी? क्योंकि हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो गुजरात गई थी वो सब कुशल वापस लौटी, इसलिए। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो भी अपनी बुद्धि और प्रतिभा से अलग अलग पद पर रहकर अपना नाम उजागर कर सकती है। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी क्योंकि उन्होंने विदेश में शादी कर ली तो उनकी सरनेम यानी अटक बदल गई। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई तो सही लेकिन वापस आ सकी नहीं, सिर्फ कल्पना बह के रह गई। प्रश्न नंबर 3 से विद्यार्थी मित्रों, पात्रों का परिचय दीजिए, એટલે કે તમારે આ પાત્રોનો પરિચય 2000 વાક્યોમાં આપવાનો છે, તમારે આના વિશે જાણકારી મેળવવાની છે। ઇન્દિરા ગાંધી, સાનિયા મિર્ઝા, કિરણ બેદી,
મલ્લિકા સારાભાઈ, કલ્પના ચાવલા અને પીટી ઉષા. તમારે ગૂગલ પર સર્ચ કરીને આ છ વ્યક્તિઓની પરિચય મેળવવાનો છે. આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 4માં કે ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લખી. અહીં એક ચિત્ર આપ્યું છે, તમારે 4-5 પંક્તિમાં ચિત્ર જોઈને કાવ્યની રચના કરવાની છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, પરિચ્છેદ કા શુદ્ધ રૂપે અનુલેખન કીજે, એટલે કે તમારે જોઈ જોઈને અનુલેખન કરવાનું છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હવે તમારે આજના વિડીયોને ધ્યાનથી સાંભળીને અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ જે હું તમને બીગ મોકલું છું તે તમારે નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. અને જે છ ચિત્રો આપ્યા છે પાત્રોનો પરિચય, એ તમારે ગૂગલ પર સર્ચ કરીને તેનો પરિચય મેળવવાનો રહેશે. થેન્ક યુ.